वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे 6। अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, हो गया हूँ मैं रवाना। आज भी मैं जल्दी उठ गया था और आज तो मेरे पास चाबी भी नहीं है, स्टिल मैं जल्दी उठ गया था। ऐसा नहीं है कि भाई यार, अब मैं ना कल काफ़ी ज़्यादा परेशान था चीज़ों को लेके ना, कि क्या हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा। डर भी लग रहा था कि भाई घर की EMI वगैरह है, कैसे चुकेगी, क्या होगा। बट फिर पूरा दिन परेशान होने के बाद रात को सपरा साहब गए घर और 10 मिनट बैठे, ध्यान से सोचा हमने कि क्या करने, क्योंकि परेशान होने से तो कुछ मसले का हल नहीं होगा ना। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ना अब मैं थोड़े ना एक दो कोर्स करूँगा या तो मैं घर पे सीख लूँगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी ना मैं एकदम रेड जोन में हूँ। रेड नहीं, येलो जोन में हूँ समझ लो। रेड जोन में तो पहले था, मैं येलो जोन में आ गया हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ। येलो जोन में ऐसे हूँ कि जैसे जॉब को लेके ना, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो कोई एक नया बंदा भी आके अब कर सकता है, क्योंकि इतना एडवांस हो गया है लेवल। इसीलिए थोड़ा जॉब का डर रहता है। बट लेकिन अगर मैं वो चीज़ सीख लूँगा ना, तो मैं चला जाऊँगा ग्रीन जोन में, कि वो चीज़ हर कोई नहीं कर पाएगा। चलो मैं जिम पहुँच के बात करता हूँ, गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। हाँ जी, तो हो गया मेरा वर्कआउट पूरा। अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे मत्था टेकने। वर्कआउट में मैंने मारा बैक, आपको दिख जाएगी अभी, मैं वीडियो डालूंगा तो इससे पहले। और घर जाके फिर 8 बजे 8 से 9 सो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा चंद दिनों में। तुम मुझे ढूंढते फिर हो गए, अरे कॉपीराइट आ जाएगा। अरे वैन तो कितनी देर चला रहा है ये। चलो यार, अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारे मत्था टेकता हूँ, उसके बाद घर जाके सो जाऊँगा 1 घंटा, देन उसके बाद स्टार्ट करता हूँ ऑफिस जाते हुए ब्लॉग। देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमान, पर मैं मिलिया नहीं, मैं मिलिया नहीं, मैं मिलिया नहीं, मैं कोई वैसे फायदा नहीं है कि अगर तू मेरे को पहले छोड़ा है और तू बाद में होके जाए तो क्यों फायदा क्यों नहीं है, है? क्यों तू लेट हो जाया करेगा फिर। अच्छा मैं कैसे लेट हो जाऊंगा, अभी मैं कितना जल्दी पहुंच जाता हूँ, आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूँ, मतलब आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ऑफिस में। कोई नहीं, मत बोल कुछ भी। क्या पर मैं मिलिया नहीं, मैं मिलिया नहीं, मैं मिलिया नहीं, मैं देखना खाली रोड पे हॉर्न बजा रहा है। जो हॉर्न ज्यादा बजाते हैं ना, मेरे को वो लगता है उनको गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, स्कूटी चलानी नहीं आती, तभी हॉर्न ज्यादा बजाते हैं। ठीक है ना, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या हो, सीखो पहले ढंग से, फिर तैयार हो गए उतरो। अच्छा। ग्राउंड में ये आप कह रहे हो तो मैं नहीं सीखा था, तो वो भी तो सीख ही रहे हैं ना, फिर तो घर पे सीखे अपने, तो आप घर में सीखे थे। हाँ, घर में लेके गाड़ी घूमते थे और क्या। हाँ। मैं तो पहले दिन ही ठोक दी थी दो गाड़ियों में देके मारी थी अपनी i20, पहले दिन दे घुमा दी दो गाड़ियों में गुजरे थी, और उन दो गाड़ियों को बुरा हाल हो गया था और मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, सकरोच तक नहीं आया था एक। और सुनाओ आपके ऑफिस में सब बढ़िया, खुतल मंगल। हाँ, कल मैं शाम का पार्टी था। पार्टी थी। समोसा वगैरह मंगवा लेते और एक पत्तल ले देते और बटवा देते बच्चों को। जब बचपन में मेरा बर्थडे होता था तब आप करते थे ना बच्चों को बुला के, हैं? पत्तल नहीं बटवाती थी, प्रॉपर पार्टी करती थी बच्चों को बुला के। तुम्हें मेरे पैदा होने की भी खुशी थी, मतलब फर्स्ट बर्थडे पे तो हमने बहुत बड़ी पार्टी दी थी वहाँ पे, यहाँ पे छत थी ना खुली। अच्छा,
वहाँ पे तो टेंट वगैरह भी आसानी से लग जाते थे, बहुत बड़ा मकान था। अच्छा, देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमान, मतलब अच्छी खासी पार्टी देते हैं। अब क्यों नहीं देते? चोले पे भी तो वही बर्थडे आ रहा है तुम्हारा 30 सितंबर को, क्या करना है फिर? ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से पागल हो गया, पार्टी है पार्टी। पार्टी होगी, जश्न होगा, खुबानी में पार्टी, खुबानी बुक पूरा। नहीं ऑफिस तो जाने नहीं दूंगा और ना मैं जाऊंगा। अरे ऑफिस आने का कोई वो नहीं, संडे की छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, मंडे की भी छुट्टी है। 30 को क्या पड़ रहा है? 30 को सैटरडे है, कोई दिक्कत नहीं, संडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी सही है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना 3 दिन की छुट्टी कट जाए? नहीं वो तो नहीं, बस डन है। फिर हम जाएंगे सैटरडे को माधवगढ़ फार्म। हाँ वो आप अपने लिए जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ी जा रहे हो। और मैं अपने लिए अकेले जा, मतलब आपके साथ मैं अपने लिए जा रहा हूँ? मुझे नहीं जाना ना। मैं कौन सा आपको वाटर पार्क लेके जा रहा हूँ? अगर वाटर पार्क लेके जाता तो अपने लिए लेके जाता ना। मैं तो लेके जाऊंगा जबरदस्ती, और जाना पड़ेगा। क्या चुप हो गई? अब जाना पड़ेगा। देखी मैं जमीन, देखा मैं आसमां, पर मैनू मिले नहीं मैं। अब ये बोलो कि बस के अंदर से इतना सा गैप बचा था। कहा है मम्मी? लप्पू सी मम्मी है। अरे मत कर यार, मत कर। खूबसूरत पता है तुम्हें कितनी है? मुझे पता है। कद्दू पता है? कैमरे में देखना, कैमरे में देखना। पीछे कैमरा तो आ गया। पर मैनू मिलिया नहीं मैं, मम्मी मिलिया नहीं मैं। लोग पता है क्या करते हैं? अपने आप को वायरल करने के लिए ना बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनका कंटेंट पैदा हो जाता है, और नहीं तो दो शादी कर लेते हैं। मैंने अपनी मम्मी को कंटेंट बना दिया। देखी मैं जमी, देखा मैं आसमां, पर मैनू मिलिया नहीं मैं। और सुना दो मम्मी, घर परिवार में सब कुशल मंगल? मेरा घर तो कोई और है ना। अलग अलग रहते हैं ना घर में? आप अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में। ऑफिस के लिए लेट हो गए? तो लेट कटेगी, पैसा का पगार काटेगा मालिक? मजदूर की दिहाड़ी काट लेते हैं ना राजमिस्त्री। आपके ऑफिस का राजमिस्त्री कौन है? यही होता है जो ऐड होता है, वो राजमिस्त्री हुआ ना। कह रहे हो कहीं वो वीडियो देख ले। और मैं घर पे बैठी हूँ। कट कर देना। हमारे ब्लॉग में जो वीडियो चल जाती है ना वो कट नहीं होती, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस, अभी मुझे काम करना है, नौकरी करनी है। पेट पालना है अभी मेरा, अपने एक बच्चे का पेट पालना है। नहीं अभी तो करनी है। थोड़ा सा भी पैसा आएगा ना मैं आपकी नौकरी छुड़वा दूंगा। ओहो, नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? पैसा भी मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बाय। तुम्हें छोड़नी पड़ेगी और घर पे सेवा करनी पड़ेगी। ओके तो फिर कब देखेंगे? बाय। निकल। पर मैंने मिले नहीं मैं। यार मेरे को ना वाली आशिकी करने का मन कर रहा है अब, वो जो होती है ना स्कूटी पे लड़की को घुमाने वाली आशिकी,
बहुत घुमाई है अपने टाइम पे, बहुत करी है ये वाली आज की। अब मेरे दोबारा करने का मन कर रहा है। अब ऐसी लड़की कोई मेरे को मिल पाएगी? अगर अगर कोई भी एक लड़की ऐसे मुझे फोन कर रही है ना जो स्कूटी पे घूमना चाहेगी मेरे साथ, गाड़ी पे नहीं स्कूटी पे, मतलब सब पे घूमेगी, तो फिर मेरे को संपर्क करें, instagram.com पे DM करें अनफिट अक्षय को, वायरल कर दो अनफिट अक्षय को। 10,300 से ऊपर फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे यार। एक ना चीज मैंने कल वीडियो में बना के डाली थी, एक चीज ना भाई बहुत गलत लगी मेरे को लोगों की ना, कि लोग बहन जो खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरे जो कर रहे हैं ना उसको करने भी नहीं देते। मेरे को नहीं, मेरे को तो खैर कोई क्या ही उल्टा बोलेगा, मैं खुद ही बोल देता हूँ, मैं कर देता हूँ कमेंट, मेरे लंड पे ठंड, अभी जितने कम कमेंट आते हैं ना उन पे रिप्लाई कर देता हूँ, और रिप्लाई भी कैड़ा ही करता हूँ मैं तो ना। यार कोई अगर डिसेबल है, स्पेशली चैलेंज्ड है, कोई भी प्रॉब्लम है जो भगवान ने उनको ऐसा बनाया, वो स्टिल वो अपनी प्रॉब्लम को साइड में रख के ना अपने आप को आगे, आप लोगों के आगे रिप्रेजेंट कर रहे। सॉरी ज्यादा पनीर खा लिया। स्टिल अपनी प्रॉब्लम को साइड रख के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके। और बहन चो लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रिएटिव और गलत कमेंट कर रहे हैं ना लोग। एक ना लड़की थी, उसकी आईज में आई थिंक प्रॉब्लम थी, तो बहन कमेंट कर रखा कि आपका देखने का तरीका कैजुअल है, मतलब इतने क्रिएटिव तरीके से उल्टा सीधा कमेंट कर रखा ना। और भी मतलब बहुत कुछ है कि कोई मतलब थी, मैं कैसे समझाऊं, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो उसको कह रही कि आपका बैठने का तरीका कैजुअल नहीं है, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा कैजुअल है, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। यार भाई वो क्यों है, क्यों अपने आप को देखो ना, अपने आप को ग्रो करने में कोशिश करो ना। और बहन चो जितने उनके फॉलोअर्स है ना, तुम लंड को ही नहीं पूछ रहे, तुम तो अपनी डीपी और वो तक नहीं लगाते, डीपी भी नहीं लगाते, अपने नाम भी नहीं बनाते, फेक अकाउंट बना के तुम उल्टा सीधा लिख रहे हो, तुम तो अपने आप को इतना भी कैपेबल नहीं समझते अपनी शक्ल को और अपने नाम को जो माँ बाप ने दिए कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो दूसरों के सामने। लेकिन नहीं, दूसरों के अंदर उंगल करनी है तुम्हें, बस भाई ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं भाई एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, अगर एक भी बंदा मेरी वजह से थोड़ा संभल जाए तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, जिंदगी सफल हो जाएगी मेरी, बस यही कहना चाहूंगा। चलो फिर अब ऑफिस पहुंचता हूँ मैं, उसके बाद रात को एक बार बाय बोलने आ जाऊंगा ऑफिस से, और फिर अब मैं कुछ अलग भी करने की कोशिश करूँ, मतलब लेके आऊंगा आपके लिए, जैसे मैं कुछ कोर्स वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगा अब, और उसके बाद नई नई इंटरेस्टिंग चीजें लेके आऊंगा आपके लिए, संडे वगैरह को लेके आऊंगा जब टाइम होता है ना, तो आप देखते रहना अगर देख रहे हो तो स्टार्टिंग से इंजॉय है। हेलो करो। शर्मा गए बच्चे, बच्चे को उठा लेता हूँ मैं ऑफिस से आते ही। हेलो करो, बोलो। डर गया, ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है, ये ब्लॉगर नहीं बनेगा, शुक्र है हर दूसरा बंदा ब्लॉगर बन रहा है। बाय बाय, लव यू, बाय बाय कर दो, बाय बोलो, बाय बाय। ये टॉफी मैं ले लूंगा, दे दो ना, ना। हाँ नहीं। प्लीज ना। दे दो ना। प्लीज ना। दे दो ना। दे दो। गाड़ी खोल के जा रहा, बाय कर दो, बाय बाय।